मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी संजय कॉलोनी मस्जिद के सामने गंदगी रहती है, जिससे मस्जिद में इबादत करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस कॉलोनी में सारे के सारे गरीब परिवार निवास करते हैं। इन गरीब परिवारों की लड़कियों की शादियां पहले इसी सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर होती थी। अब यह आलम है कि यह जमीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही है। लोगों ने अतिक्रमण कर पूरी जमीन को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शकील खान। क्या समस्या है आपकी? जहाँ जी साहब, पहले ये शादी ब्याह हो जाते थे इसमें, तो ये लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं। उसमें पहले बढ़िया गंदगी होती थी, ये जानवर भी है। कौन कर रहा है अतिक्रमण इधर? ये वंदना राठौर, वंदना राठौर है। इधर जे कलीम पेंटर है, इधर जे विष्णु शर्मा है, और विष्णु शर्मा के बाद जे सब्बीर भाई ने स्टॉल डाल ली। इसकी कहीं आपने शिकायत वगैरह कहीं लगाई? इसकी हमने नगर पालिका में देने गए थे सीओमो साहब को, तो सीओमो साहब ऑफिस में नहीं थे, मीटिंग में गए थे सीओमो साहब, तो हमने नगर पालिका में उनके अधिकारी को, उसके कर्मचारी को दिया था। उनने जो हमें प्राप्ति करके दिया है कि इस पे हम कार्रवाई कर देंगे आपकी। 181 वगैरह इसकी लगाई आपने? 181 लगाई थी, तो 181 पे नंबर मांगा गया था, तो अभी उनने हमें नंबर नहीं दिया। उनने हमसे जो कही थी आपकी कार्रवाई हो जाएगी, तो अभी तक उसमें कोई आया नहीं। जन सुनवाई मंगलवार में इसका आवेदन लगाया आपने? नहीं, जन सुनवाई में अभी नहीं लगाया हमने। अच्छा, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई ना, कोई आया? कब से हो रहा है यहाँ पे ये सब कुछ? अभी से ही हो रहा है, मतलब पहले तो सही था, मतलब जो अभी 4-5 महीने से होने लगा जाती। जानवर भी ये गंदगी भी जानवर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, ज्यादा गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पर, बच्चे ही बीमार पड़ गए। गंगे वगैरह आन के गोबर वगैरह मस्जिद के सामने गंदगी होती है, लोग कचरा फेंक जाते हैं, मतलब गंदगी तो होती ही है ना उसमें। सफाई करने कोई नहीं आता इधर? नहीं, कचरा उठाने वाले वगैरह कोई नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।